आज हमारे साथ में खास ज़ुल्फ़िकार हैं और हमसे बहुत मज़े मज़े की बातें करें। सवालात भी आपसे आज जो मैं कर रही हूँ बड़े मुख्तलिफ तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा ऐसा ना पिछले इंटरव्यू जैसा हो, पता चले जाके मैं जब नेट पे देखूँ तो दोनों एक जैसे लगे। तो इसीलिए पहली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, आपसे सवाल करूंगी मैं। और पहली तस्वीर दिखाइए, जरा लाइए भाई पिक्चर लाइए पहले। अच्छा जी, एक तरफ आपने बड़े डिसेंट से कपड़े पहने हुए, दूसरी तरफ आपका चेहरा ये निकालने नहीं पहने हुए, हमने किसी मॉडल के ऊपर लगाया है, पिंक कलर का सूट है। तो खुद बजाते खुद मिकाल को किस तरह के कपड़े पसंद, ब्राइट कलर्स या वेरी डीसेंट? जैसे आप अभी देख रहे हैं, आई प्रेफर सोबर कलर्स। सोबर कलर्स, हां। और कभी अगर आपको फिल्म में या कुछ ऐसा करना पड़ता है, आई थिंक ओकेजन पे होता है, आई थिंक डिपेंडिंग ऑन द ओकेजन आई डोंट माइंड वेयरिंग समथिंग। अगर आपने, मैं आपसे पूछूं, आपने जो ब्राइटेस्ट आज तक पहना है? वैसे पर्सनली मतलब मैं कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है, मतलब ब्लूज में, येलोज में, पिंक, नॉट दिस शेड ऑफ पिंक, मे बी आई थिंक वो जो दूसरे में मैंने पिंक शर्ट पहनी हुई है ना, जरा बेबी पिंक वहां तक ठीक है, आई थिंक। हाँ, उससे ज्यादा नहीं। आई डोंट थिंक, मे बी आई मीन शो, ऑब्वियसली हमें शोज वगैरह और चीजों में करना पड़ता है, या फिर यू नो जैसे अवार्ड शोज में बड़े बोल्ड कपड़े होते हैं तो उधर करना पड़ता है। टाई वाई ब्राइट लगा लें तो चलेगा? आई डोंट, आई मीन डिपेंडिंग, लाइक पर्सनल मेरा आई थिंक, और एक्टर्स का ज्यादातर भी आप देखते हैं ना, जरा कैजुअल, आम जिंदगी में ना कैजुअल फिर रहे होते हैं, यू नो, जैसे जिम के कपड़े नहीं होते उस तरह के, ट्रैक सूट हो जाए, टी शर्ट हो जाए, हुडी हो जाए, तो मेरे ख्याल से हम इतना ड्रेसअप होते हैं ना, मेरा तो पर्सनल ये है, जब मैं घर पे होता हूँ मैं तो मतलब पजामास नहीं, हाँ मतलब ऑब्वियसली नहाना वो तो अपनी जगह, लेकिन मतलब वो जो ग्रूमिंग होती है ना, बिकॉज हम सारा वक्त हेयर स्प्रे और ब्लो ड्राई और मेकअप, तो वो जब नहीं हो रहा होता ना, मैं बिल्कुल ही एक यू नो दाढ़ी छोड़ी भी है, यू नो जो एक लॉकडाउन पीरियड में जैसे सबका हाल, सबका हाल। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं। ओके, अच्छा मिकाल को खुद क्या पसंद है, हाथ दोनों ही मैं नहीं हूँ मुझे लग रहा, ये आपकी पिक्चर लगाई है। चमचे से खाना ज्यादा पसंद है या हाथ से खाना ज्यादा पसंद है? वेल डिपेंड करता है, ऑब्वियसली देसी खाना जो है रोटी सालन तो वो बंदा हाथ से ही खाता है, लेकिन हाँ आई थिंक जो वेस्टर्न क्विजीन है वो तो नाइफ एंड फोर्क। तो मिकाल को ज्यादा क्या शौक है खाने का, गोरी माँ का बेटा है? यार आई लाइक बोथ थिंग्स, आई एक्चुअली प्रेफर, मुझे स्पाइसेस बहुत ज्यादा नहीं पसंद। अच्छा, तेज मिर्चें मुझसे नहीं खाई जाती, तो इवन अगर जो जैसे घर में जो देसी खाना भी बनता है तो वो मैं अगर वो घर में सबके लिए बन रहा हूँ ना, मेरे लिए सेपरेट विदाउट स्पाइसेस। अच्छा, किस तरह के खाने बनते हैं आपके, जैसे होते ना किसी के घर में पालक गोश्त बहुत बनता है, आलू गोश्त बहुत बनता है, चिकन का बहुत, चिकन कोरमा का, चिकन शोरबा, चिकन कोरमा मुझे बहुत पसंद है, वो आपके आपको विद रोटी, दैट्स माय वन ऑफ माय फेवरेट। लेकिन आपके घर में सबसे ज्यादा बनती क्या तरीके की चीज है, मतलब? आई थिंक यही चिकन प्रोबेबली, मेरे लिए पर्सनली तो यही बनती है, वरना घर में उसके अलावा यही जो यूजली बन रहा होता है, आलू गोश्त, पुलाव, और हाँ पुलाव, मतलब पाकिस्तानी खाने बनते हैं पाकिस्तान ज्यादातर, ऑब्वियसली बिकॉज़ आवर कुक इज, हाँ आवर कुक, आवर कुक इज पाकिस्तानी, तो वो बनाती है, वरना चाइनीज, मेरा पर्सनल मतलब वन ऑफ माय फेवरेट कुजींस इज जापानीज एक्चुअली, आई रियली लाइक सुशी, आई रियली लाइक सुशी, ओह ग्रेट, वो जो एक सोया सॉस और वो फ्लेवर है ना वो मुझे बड़ा पसंद पसंद है। ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं। रिक्शे वाला, रिक्शे वाला और एक बस पे बैठा हुआ है, हाँ, मतलब दोनों काम कभी नहीं किए मैंने। फर्ज करें अगर करना पड़े दोनों में से एक काम, यार रिक्शे में बैठेंगे या बस में बैठेंगे? रिक्शे में एज अ सवारी, एज अ सवारी, गाड़ी खराब हो गई, कोई और चीज नहीं मिल रही तो देर हो रही है, कहीं पहुंचना है, रिक्शे में ज्यादा प्रेफर करेंगे या बस? आई थिंक रिक्शे पे प्रेफर, रिक्शे में कभी नहीं बैठे आज तक, बस नहीं, रिक्शे पे बैठा हुआ हूँ, चलाया नहीं है कभी लेकिन बैठा हुआ हूँ, बैठे हैं, मैं तो नॉट रिसेंटली बट बैठा हुआ हूँ, एज अ किड आई हैव सैट, बस में, नॉट इन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली, बट वैसे मैं बस में बैठा हूँ। ओके, बट आई वुडंट माइंड ट्राइंग, ये जो हमारी नई बल्कि कल परसों ही एक वन ऑफ द गाइज हु वर्क्स फॉर मी, वो ऑरेंज लाइन पे लाहौर में सफर कर रहा था और बड़ी जबरदस्त लग रही थी वो, अच्छा साफ सुथरी नहीं तो यू नो उस तरह की, अल्लाह करे साफ सुथरी रहे रहे, हाँ आई होप सो, ये तो बेचारी जो बसें बनी है कभी किसी जमाने में होंगी साफ, हाँ ये भी थी कभी शायद, और फिर मेंटेनेंस नहीं हुए, और बट आई विश यू नो कराची, आई विश कराची में भी ये जो ट्रांसपोर्टेशन की चीजें इस पे थोड़ी सी तवज्जो दी जाए, देनी चाहिए और सहूलत होनी चाहिए कराची के लोगों के पास, सारे पाकिस्तान से लोग नौकरियां करने आते हैं इधर कराची। मैं आपको पर्सनली बताऊं, आई मीन आई डोंट रियली वांट टू टच दिस सब्जेक्ट, और ये मैं कोई कराची की बुराई नहीं कर रहा बल्कि मुझे दुख होता है, यू नो मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ और मैंने ज्यादातर अपना काम जितना भी किया है कराची में ही किया है, एंड यू नो कराची, आई फील एज कम्फर्टेबल इन कराची एज आई डू इन लाहौर या इस्लामाबाद, लेकिन क्योंकि मैं लाहौर में रहता हूँ और काम कराची में करता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है यहाँ आके कि
एंड एवरीवन नोज कि कराची इज आवर हब, तो व्हाई इज लाहौर एंड इस्लामाबाद सो मच बेटर कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर है, सेफर है, क्लीनर है, ग्रीनर है? अगर हम ये चीजें वहां कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं? मुझे सिर्फ दुख होता है इस चीज पे, और वो हर चीज की मैं बात करूँ, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड्स हो, बिजली पानी, ये बड़ी बेसिक चीजें हैं जिनके ऊपर वरी नहीं करना चाहिए और करना पड़ता है। आई होप यू नो, आई नो शहरियों में तो बहुत ज्यादा, स्पेशली जब वो लास्ट ईयर में वो बारिशों वाला भी एक इंसिडेंट हुआ था, आई वाज हियर एक्चुअली। अच्छा। और मैं उस वक्त होटल में ही ठहरा हुआ था, और होटल के सामने ना एक ये जितना बड़ा स्टूडियो, इतना बड़ा गड़ा खोद गया ना, आई वाज लाइक यार ये क्या है? हाँ। यू नो आई मीन इट्स वेरी सैड टू सी, एंड लोगों ने आवाज उठाई है, मैं भी आप लोगों के साथ शामिल हूँ। आई वुड लव कि अगर हम वोकल हों और ये जो लोकल एस्टेब्लिशमेंट है ये इसको सीरियसली ले, तो बहुत जरूरी है ये, और ये बुनियादी सहूलतें हैं जो शहरियों के पास होनी चाहिए, तभी तो टैक्स लेना हमसे, वरना इतना टैक्स ले लेते हैं। एग्जैक्टली, नहीं मैं सिर्फ, मेरा आर्गुमेंट सिर्फ ये है कि अगर हम लाहौर या इस्लामाबाद में कर सकते हैं तो कराची में भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, अगला सवाल दिखाइए जी। हाँ, मिकाल बारिशों में नहाते हुए या कोने में बैठ के बस बारिश देखते हुए समोसे और पकौड़े खाते हुए? अब तो शायद नहाते हुए नहीं। मैं तो मे बी इन अ स्लाइटली यंगर एज निकल जाते थे, बट हाँ बारिश को मैं एंजॉय बहुत करता हूँ। अच्छा, आई थिंक तो समोसे खाते हुए, पकौड़े समोसे, या मैं तो बारिश जनरली जो है ना वो आई थिंक, आई डोंट नो, वो एक बड़ा एक पीसफुल, या वो पानी की शायद जो टिप टिप की आवाज है, या जो एक स्मेल ऑफ you know the smell of smell. Yeah, ek wo geeli si jo ek wo nami ki smell ya jo bhi hoti hai na, it's very very pleasant. Ha, aur Lahore mein hum bade blessed hain ki you know monsoons hote hain, aur wahan jab bhi barish hoti hai, you know I live in a very hamare yahan to ghade bad gaye, green area. Acha, so barish I love, I love the rain. Zabardast. Next picture. Okay, मेहमान अगर आ जाए, ठीक है, और आप बहुत थके हुए हैं, तो छुप जाना या फिर उनके बैठ के उनको कंपनी देना? नहीं, मैं बहन भाई को कह देना तुम लोग देख लो, मैं तो सोने जा रहा हूँ। नहीं, मैं छुपा होता हूँ। इतना ज्यादा नहीं, I don't know, सोशल नहीं है घर में मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी। अच्छा, घर में अगर मेहमान वगैरह हैं तो आई चूज टू, जैसे अब्बू ने कहा है बेटा ये खानदान की जो शादी है यहाँ जाना है। अच्छा, शादियों पे तो मैं वैसे ही नहीं, आई डोंट नो, शादियों पे जो है ना वो चाहे बहुत, और मुझे अब लोग, मुझे लगता है लोग मुझे अब बुलाते भी नहीं है, बिकॉज आई डोंट नो, बहुत पब्लिक फंक्शन होता है, आई फील वेरी ऑड। दूसरा थोड़ा मतलब आई ऑल्सो फील बैड समटाइम्स, वो क्या होता है बिकॉज ऑब्वियसली जिस काम में हम हैं होते हैं फैंस और लोग आते हैं, तो कभी कभार क्या होता है आप शादी पे गए हो तो फोटोग्राफर्स जो हैं वो कपल को छोड़ के मतलब सारे लोग भी आपके पास है, तो आपको बड़ा ऑड लगता है यार उनकी तस्वीरें लो, उनकी तो शादी है, कभी कभी जाकर स्टेज पे खड़ा हो जाता हूँ कि यार कैमरास तो यहाँ आ रहे हैं कम से कम, वो बड़ा ऑड फीलिंग होती है। आप सही कह रहे हैं, आप कह रहे हो कि यार मेरे मुझे मत दो अटेंशन, यार गिव द कपल अटेंशन जिनको होनी चाहिए। तो मैं इस वजह से भी नहीं जाना पसंद करता, या अगर जाऊंगा तो बस एक वो शक्ल दिखाने वाला जो है ना, बिल्कुल इमीडिएट फैमिली है, वहां जाना जरूरी है, चाचा ये, हां एग्जैक्टली, जहां अगर बहुत ज्यादा, लेकिन हमारा कुछ काम भी ऐसा होता है कि यूजुअली हम एक्चुअली ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, यू नो, एंड आई एम नॉट इन द सिटी, फिर मिस कर जाता है बहुत सारी। कभी किसी की शादी पे होता है ना, ढोलकी होती है वहाँ, मेडले में डांस किया है मिकाल ने? यार अब नहीं किया, अब नहीं किया, मैं तो आई यूज्ड टू, मैं तो बिफोर शो बिजनेस पहले बहुत करते थे, और बहुत करता था मैं। अच्छा। मेरा एक दोस्त था, सभी उसका नाम है, और वो बड़ा जबरदस्त कोरियोग्राफर था। अच्छा। अपने जमाने का, तो वो हम फुल ट्रेनिंग के साथ ना, और बड़े बड़े गानों पे, घूमटे पे चंदा है, और इस तरह के गानों पे बड़े बड़े नाच किए हैं। अच्छा। बड़े बड़े डांसेस किए हैं, और वो तो पूरा कोरियोग्राफ करता था, रमता जोगी और पता नहीं किस किस पे उसने जबरदस्त कोरियोग्राफी अपनी की होती थी। ओए, तो ओए, करते थे बचपन में बहुत किया। हाँ, बहुत। ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर। हाँ हाँ, अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल भूख से रिलेटेड है, नहीं नहीं भूख से रिलेटेड नहीं, बात पेट में गहरे के, एग्जैक्टली, बात पेट में रखते हैं, यहाँ वो पेट फूलने लगता है कि यहाँ किसी को बताऊं कि अपनी बात या किसी नहीं, और नहीं, किसी ने आपसे अपना सीक्रेट शेयर किया? आई थिंक मैं बात पेट पे रह जाती है, आई थिंक इट्स, यू नो, आई रियली, अ लॉट ऑफ पीपल आई कनेक्ट विद वो बहुत बातें शेयर। अच्छा, मेरी कुछ नेचर भी ऐसी है, या तो
पता नहीं लोग ट्रस्ट करते हैं या बात करना चाहते हैं या कभी कभी होता है ना मेरी वो बगैर मेरे कहे ना लोग मेरे साथ बड़ी ओपनली डिस्कशन करते हैं और बड़ी डीप बातें कर देते हैं तो मैं आई डोंट नो व्हाई दैट इज या तो मैं आई एम अ गुड लिसनर या वैसे ही वो ट्रस्ट करते हैं शायद तो मैं फिर बड़ा यू नो बहुत सारी चीजें मैं डेफिनेटली पेट में ही रखता हूँ और मतलब मैं अपनी चीजें हाँ अपनी चीजें भी मैं पेट में रखता हूँ बल्कि अभी आजकल एक पोस्ट है वो बड़ी वायरल हुई हुई है कि जापानीज कहते हैं कि आपकी तीन शक्लें होती हैं है ना एक वो जो आप लोगों को एक वो जो आप दुनिया को दिखाते हैं एक वो जो आप अपने करीबी दोस्तों और फैमिली को दिखाते हैं और तीसरी वो जो आपकी असल शक्ल है जो आप किसी को नहीं दिखाते और मैं इसमें बड़ा बिलीव करता हूँ कि आई थिंक जो आपकी असलियत है ना आई डोंट थिंक वो मैं तो नहीं करता आई थिंक थोड़ा सा रहना चाहिए बहुत ओपन नहीं होना चाहिए आई थिंक सो यही जो वो जो जापानीज काफी काम ठीक करते हैं सुन लेने चाहिए उनकी बात सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास